खबर जनपद अल्मोड़ा से है, जहां विकास भवन सभागार में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की, जिसमें जनपद के विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने विकास खंड स्तरीय अधिकारियों के साथ केंद्र पोषित योजनाओं और अन्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने जल जीवन मिशन योजनाओं में गति लाने के कड़े निर्देश दिए। इसी दौरान उन्होंने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद में जो सड़कें सांसद और विधायक निधि व अन्य निधियों से काटी गई हैं, उन सभी सड़कों का डेटा तैयार कर उनको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित करें। जनपद अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। भारत सरकार की संचालित योजनाओं के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं और चर्चाओं के बाद मुझे जो जो भी विभाग में अच्छे काम लगे उनको हमने प्रोत्साहित करने का काम किया है, और जो विभागों के द्वारा जो हमको आउटपुट चाहिए था भारत सरकार की मंशा के अनुरूप, प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, उस पर भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं। खासतौर पर जल जीवन मिशन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जितना पैसा हमको प्रदेश को जिले को दिया है और इससे हर घर का पानी की योजना पहुंचने का जो उद्देश्य और जो लक्ष्य है वो पूरे होने पर अगर अधिकारियों के द्वारा उस पर ठीक से काम नहीं किया है तो उनको हमने थोड़ा सा टाइट किया है और जिलाधिकारी जो हमारे नवनियुक्त जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी उनको बोला है कि इसको छोटे छोटे क्लस्टर के रूप में 10-10 योजनाओं का उसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दें और जिससे कि आने वाले समय के अंदर लोगों को पानी की समस्या का समाधान कर सकें। ऐसी पीएमजीएसवाई की रोडें और पीडब्ल्यूडी की सारी रोड्स के बारे में भी जो फॉरेस्ट क्लियरेंस होने या अन्य प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो, मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार मिले, हॉर्टिकल्चर के माध्यम और के एग्रीकल्चर के माध्यम से भी लोगों को रोजगार की दिशा में हम काम करें, टूरिज्म डिपार्टमेंट होम स्टे के माध्यम से यहाँ पर पर्यटन को बढ़ाने का काम करें, ऐसे बहुत सारी भारत सरकार की चलने वाली योजनाओं का भरपूर लाभ मेरे जिले अल्मोड़ा को मिले, इसके लिए आज योजना बनी है। उस योजना में बहुत जल्दी हम और मजबूती के साथ काम करेंगे।